जैसे कि कहा गया है कि नॉलेज इज द पावर, हर जगह पे आपको नॉलेज की जरूरत पड़ती है। पहले टाइम में भी नॉलेज की जरूरत होती थी लेकिन इतनी जरूरत नहीं होती थी, लेकिन आज के टाइम में अगर आपके पास नॉलेज है तभी आप एक अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो कोई भी आपका नाजायज फायदा उठा सकता है। इसके साथ ही नॉलेज कॉम्पिटिशन के लिए, एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। तो आपकी इसी नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए हमने एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिसका नाम है जीके बॉस। जीके बॉस एक क्विज एप्लीकेशन है जिसमें काफी सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं और हर एक क्वेश्चन के साथ 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो चलिए पहले मैं आपको जीके बॉस प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ, इसके बाद इसके बारे में हम कुछ और बात करेंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको एक लिंक दिया है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो सीधे आप प्ले स्टोर में पहुंच जाएंगे जहां पर आप ये जीके बॉस एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे और ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। डाउनलोड करने के बाद आपकी मोबाइल स्क्रीन पर एक आइकन आ जाएगा जीके बॉस नाम से, जैसे कि आप यहां देख सकते हैं। इस पर क्लिक करके इसको ओपन करेंगे। ओपन करने पर इस तरह से इसका एक खूबसूरत इंटरफेस आता है। यहाँ इंस्ट्रक्शंस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि इसे यूज कैसे करना है। हर एक क्वेश्चन के साथ 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, हर सही आंसर पर आपको 5 पॉइंट्स मिलेंगे और हर एक गलत आंसर पर आपके 2 पॉइंट्स खत्म हो जाएंगे। जो आपको पॉइंट्स मिलेंगे उन्हें आप 50-50 या ऑडियंस पोल लाइफलाइन लेने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप किसी क्वेश्चन को स्किप भी कर सकते हैं और उसके टाइमर को रिसेट भी कर सकते हैं। यहाँ पर सेटिंग आइकन है, इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें आपको कुछ सेटिंग्स दी गई है। यहाँ पर आप इसके साउंड बंद कर सकते हैं, वाइब्रेशन को भी आप ऑन या ऑफ कर सकते हैं और साथ ही आप बैकग्राउंड म्यूजिक को भी यहाँ पर ऑन या ऑफ कर सकते हैं। और यहाँ पर आप इसका फॉन्ट साइज भी छोटा या बड़ा कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा कम दिखता है तो आप यहाँ से इसका फॉन्ट साइज बड़ा कर लीजिए। इसके बाद ओके करेंगे। स्टार्ट करने के लिए यहाँ स्टार्ट पर क्लिक करेंगे। इसमें आपको यहाँ पर काफी सारी कैटेगरीज मिलेगी, जैसे कि पॉलिटिक्स, जनरल नॉलेज, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंकिंग, इंडियन लॉ, ट्रिपल सी प्रैक्टिस, कंप्यूटर, इकोनॉमिक्स, रेलवेज और बुक्स। इसके साथ ही रोजाना इसमें और भी कैटेगरीज ऐड होती रहेगी क्योंकि ये लाइव सर्वर पर होस्ट किया गया है। अक्सर कैटेगरीज में आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों का ऑप्शन दिया गया है, आप जिसमें चाहे उसमें ये क्विज प्ले कर सकते हैं। जैसे मैं हिंदी में करना चाहता हूँ तो यहाँ हिंदी पर क्लिक करेंगे और आपके सामने लेवल्स आ जाएंगे। यहाँ पर सभी लेवल्स लॉक है सिवाय पहले के। जब तक आप पहला लेवल पास नहीं कर लेंगे तब तक आप दूसरे लेवल में या तीसरे लेवल में नहीं जा सकते हैं। तो यहाँ पर आप एक लेवल पास करेंगे उसके बाद दूसरे में जाएंगे, दूसरा पास करेंगे उसके बाद आप तीसरे में जाएंगे, इसी तरह से आगे तक। क्विज स्टार्ट करने के लिए लेवल पर क्लिक करेंगे और देखिए यहाँ पर आपके सामने एक क्वेश्चन आ गया, साथ ही आपके सामने यहाँ पर 4 ऑप्शंस आ चुके हैं। इसमें से आपको सही आंसर चूज करना होगा। अगर आप सही आंसर चूज करेंगे तो ग्रीन हो जाएगा और अगर आप गलत आंसर चूज करेंगे तो ये रेड हो जाएगा। इसी के साथ ही यहाँ पर आपको सही आंसर पर 5 पॉइंट्स मिलेंगे। नीचे यहाँ पर 50-50 और ऑडियंस पोल 2 लाइफलाइन दी गई है। जैसे कि अगर मैं 50-50 पर यहाँ क्लिक करता हूँ तो देखिए 2 रॉन्ग आंसर्स यहाँ पर डिलीट हो चुके हैं। इसी तरह से आप यहाँ पर ऑडियंस पोल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑडियंस पोल पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपके पास कॉइन्स नहीं है, इसके लिए आपको यहाँ पर एक छोटा सा ऐड देखना होगा और इस वीडियो को देखते ही आपको 5 कॉइन्स मिल जाएंगे। ऐड पूरा होने के बाद आप यहाँ कट पर क्लिक करेंगे और देखिए यहाँ पर आपको 5 कॉइन्स एक्स्ट्रा मिल चुके हैं। अब आप अगर यहाँ ऑडियंस पोल पर क्लिक करेंगे तो देखिए ऑडियंस पोल आ चुका है। ऑडियंस ने यहाँ पर बी को ज्यादा परसेंटेज दिए हैं, अगर आप इसे चूज करेंगे तो मतलब ये सही है। इसी तरीके से अगर हमें ड्राइविंग लाइसेंस का टेस्ट देना है तो हम बैक आएंगे, यहाँ ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमें लेवल्स मिलेंगे, हम फर्स्ट लेवल पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आएगा और साथ ही यहाँ पर आंसर्स आएंगे, आपको सही आंसर चूज करना है और बिल्कुल वही तरीका रहेगा जो मैंने आपको अभी बताया हुआ है। अगर आप गलत आंसर देते हैं तो आपके 2 पॉइंट्स यहाँ पर कट हो जाते हैं। देखिए यहाँ पर आपको निशान भी दिए गए हैं जिन्हें देख करके आपको बताना होता है कि इस निशान का क्या मतलब होता है। तो ये बड़ी आसानी के साथ और बड़े ही मजे के साथ आपकी जनरल नॉलेज को इम्प्रूव करता है और इसमें आपको काफी मजा भी आता है। लेवल को पूरा करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह के ऑप्शंस आते हैं, यहाँ पर आप नेक्स्ट लेवल प्ले कर सकते हैं या फिर आप अपने सभी आंसर्स को फिर से देख सकते हैं। रिव्यू आंसर पर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि आपने क्या क्या आंसर्स दिए हैं और सही आंसर कौन सा है। जिस आंसर को आप दोबारा से देना चाहते हैं उसे आप स्टार पर क्लिक करके यहाँ पर बुकमार्क कर लेंगे। इस तरह से आप जितने चाहे उतने क्वेश्चंस को यहाँ पर बुकमार्क कर सकते हैं।
इसके बाद जिन क्वेश्चंस को आपने बुकमार्क किया है, अगर आप उन्हें कभी प्ले करना चाहते हैं तो उसके लिए आप यहाँ बुकमार्क आइकन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने वही सभी क्वेश्चंस आ जाएंगे जिन्हें आपने सेव करके रखा हुआ है। आप नीचे आएंगे और यहाँ प्ले बुकमार्क पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने सिर्फ वही क्वेश्चंस आएंगे जिन्हें आपने बुकमार्क किया हुआ है। जीके बॉस एप्लीकेशन को एक लाइव सर्वर पर होस्ट किया गया है जिसके लिए आपके मोबाइल फोन में इंटरनेट होना बहुत जरूरी है, तभी आप इसे यूज कर सकते हैं। लेकिन इसके आपको दो बड़े बेनिफिट्स भी मिलेंगे। पहला तो ये कि अगर जीके बॉस एप्लीकेशन में कोई मिस्टेक होती है तो उसको फौरन ही सही कर दिया जाएगा और आपको एप्लीकेशन अपडेट करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और दूसरे ये कि आपको रोजाना इस एप्लीकेशन में नए नए लेवल्स मिलेंगे और नए नए क्वेश्चंस मिलेंगे जिसके लिए आपको इस एप्लीकेशन को अपडेट करने की जरूरत नहीं है। जीके बॉस एप्लीकेशन आपके कॉम्पिटिशन, आपके एग्जाम में आपकी काफी हेल्प कर सकता है। इसी के साथ अगर आप CCC का एग्जाम देने वाले हैं तो उसकी तैयारी भी आप जीके बॉस एप्लीकेशन में कर सकते हैं। अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वाले हैं तो ड्राइविंग लाइसेंस में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके लिए भी हमने इसमें एक कैटेगरी रखी है। आप जीके बॉस एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, उसमें आपको ड्राइविंग लाइसेंस का ऑप्शन मिलेगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो उसमें आपको 10 लेवल्स मिलेंगे और आपको टोटल 100 क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें आपकी नॉलेज काफी हद तक इंप्रूव हो जाएगी। अगर आपको कोई एग्जाम या टेस्ट नहीं देना है तब भी आपको इस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल करके रखना चाहिए और टाइम टू टाइम एक गेम समझकर इसको खेलते रहना चाहिए क्योंकि इससे आपको मजा भी आएगा और साथ ही आपकी नॉलेज भी काफी इंप्रूव होगी। इसी के साथ ही प्ले स्टोर पर हमें 5-स्टार रेटिंग और अपने एक बढ़िया सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूले ताकि हम आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे एप्लीकेशंस लॉन्च करते रहें। इसके साथ ही ये वीडियो कॉपीराइट फ्री है, जो चाहे अपने चैनल पर इसे अपलोड कर सकता है, उसे किसी भी तरह का कोई कॉपीराइट नहीं दिया जाएगा।